चलते हैं फिर बात करते हैं। पता नहीं क्या अलमारी है, तो पहले बारी में पहली मारी ना सेल्फ, पहली सेल्फ में लगी थी मेरी भी, किसने चेंज नहीं करी, लुमिनेस की है और पूरे ऐसे डस्ट वस्ट भी नहीं लगी हुई है, मेरा हाथ लगा हुआ है। यार अभी आया था ऊपर ऑफिस से, ऑफिस जैसे ही आया ना वैसे ही गाड़ी की सेल्फ मारी मैंने, तो पहली सेल्फ में तो चल गई गाड़ी ऑन हो गई, लेकिन दूसरी गाड़ी के अंदर सेल्फ ले नहीं रही बिल्कुल भी। पता नहीं क्या है, बैटरी बूटरी मैंने चेक कर ली है, सारे टर्मिनल एकदम से सही है, बट सेल्फ बिल्कुल नहीं ले रही। देखो तो क्या करना चाहिए इसके लिए, थोड़ी देर के लिए गाड़ी छोड़ देनी चाहिए, क्या कर देना चाहिए। अभी यार इसको बुलाया दोस्त को, वो अभी आता है उससे, मतलब देखते हैं सलाम शुरू करते हैं कि क्या सीन हो सकता है, नहीं तो फिर धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये और क्या करना पड़ेगा। अभी देखो अभी दोबारा सेल्फ लगाता हूँ, देखो मैंने ये लगाया, सारी लाइटें आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे मैं इसकी सेल्फ मारूंगा वैसे ही ये दिक्कत आ जाती है। पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी में आगे रखा ही था, ये बैग रखा ही था, सभी लाइटें आ रही हैं, बट पता नहीं यार क्या दिक्कत हो गई एकदम से। ये इसका पूरे टर्मिनल एकदम सही है, बैटरी भी किसने चेंज नहीं करी, लुमिनेस की है और पूरे ऐसे डस्ट वस्ट भी नहीं लगी हुई है, मेरा हाथ लगा हुआ है, और ये टर्मिनल भी पूरे एकदम सही है, देखो पूरे सही से लगे हुए हैं, ये वाला भी सही से लगा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बैटरी सेल्फ क्यों नहीं ले रही, कोई ऐसा भी नहीं लग रहा कि किसी ने कोई तार वार काट दी हो या कुछ काट दी हो, ऐसा भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी सेल्फ नहीं ले रही, सेल्फ नहीं ले रही यार ये। जब मारिए अगर सेल्फ मारिए, तो पहले बारी में पहली मारी ना सेल्फ, पहली सेल्फ में लगी थी, मैं कहा यार ये दिक्कत क्यों कर रही है, मैं कहा दूसरी मार के देखता हूँ बैटरी डाउन तो नहीं होगी। ये देख सेल्फी नहीं ले रही बिल्कुल ही, पता नहीं क्या हो गया, बैटरी भी अभी 2 साल वो हुई है, ये देख वो आ रही है, लाइट आ रही है, मतलब बैटरी ठीक है लेकिन सेल्फ नहीं ले रही। तेरे को पता है क्या सीन हो सकता है, यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब पे देखता हूँ, कूलेंट होता है इनमें, धक्का है कूलेंट इसका, व्लॉग को छोड़ो धक्का मार लो, कूलेंट का कूलेंट इसमें होता है, कूलेंट चाहिए क्या, कूलेंट चाहिए, कूलेंट चाहिए क्या, स्टार्ट करो स्कीम पाओ, धक्का मार रहे हो गाड़ी, ओ गोरा भाई पीछे भी पे ही तेरा करता ही ए, आज इसने भी धक्का मरा दिया गाड़ी ने भी भाई, एक बार पहले भी जब बैटरी खत्म हुई थी ना इसकी, तो इसने धक्का मराया था, दोबारा इसने धक्का मरा दिया, ओह बड़ा ही शुक्र दिया भाई। अरे घर चलते हैं फिर बात करते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसके एकदम से, क्या ऐसा इशू, क्या इशू बन गया इसके, समझ में नहीं आई, मैं क्लेश कर दिया, बंद ना हो जाए बस कहीं पे, दूसरे बंदों से धक्का मराना पड़ जाएगा मेरे को, ओह एक बार मुझे यहाँ से मोड़ काट लो एक बारी। गाड़ियों में वैसे कोई दिक्कत ना आए, लेकिन ये बैटरी वाली जो दिक्कत होती है ना, ये पता नहीं एक छोटी सी चीज़ और मतलब गाड़ी पूरी बंद बैटरी होगी, और उसके बाद ये है कि धक्का मारने में पहले वहाँ पर ना जहाँ मैं लगाता हूँ आगे पीछे बाइकें लगाई थी उसको आगे पीछे करना भाई बड़ा क्लेश हो जाता है, बड़ा ही पंगा है यार। अब तो चलो स्टार्ट होगी गाड़ी, अब तो कोई कहाँ बंद होती है, लेकिन फिर भी मैं बंद नहीं करूँगा कहीं पे भी इसको, बस वहीं जाके बंद करूँगा, एक बार स्टार्ट करूँगा कि कैसे इसको, मतलब वहाँ जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ ना, जहाँ गाड़ी खड़ी करता हूँ वहीं पे मेरे को देखना पड़ेगा कि सिस्टम इसका लगाना पड़ेगा, तो बहुत गलत काम कर दिया आज तो यार, हाथ में गंदे हो गए पूरे, क्लेश हो गया। इसके अंदर डाले हमने ये वाले पापड़, ये हम लेके आए थे, वो बड़े वाले पैकेट का रख दिए अंदर रख दिए, शायद ये छोटे छोटे इतने इतने होते हैं
और बड़ी क्रंची क्रंची से बन रहे हैं, थोड़ा सा ऑयली हो गया। मैंने सोचा कि जब ऑयली है तो इसमें करके देख लेते हैं, क्या पता इसमें बढ़िया बन जाए। बाकी मैं आपको बता दूँ, जो गाड़ी था ना उसकी बैटरी लो हो गई थी मेरे हिसाब से, तो मैंने मिस्त्री को दिखाई तो मिस्त्री कह रहा है कि उसने सेल मारी 5-6 तो ठीक निकली है। मैंने भी 2-3 बार मार के देखी, ठीक थी। जहाँ मैंने गाड़ी रोकी वहाँ भी 2-3 बार मार के देखी तो भी ठीक थी, बट इसने परेशान करा, धक्का मरवा दिया आज। कभी कभी होता है यार, जब आपकी मशीनरी रखते हो, मशीनरी का कोई भरोसा नहीं होता किसी भी चीज़ का, कि किसी भी कोई भी चीज़ इतनी मर्जी महंगी चीज़ ले लो तो कहीं भी ख़राब हो सकती है। वैसे एक अंदर से भरोसा ही होता है कि हाँ, इतना परेशान ना करे कि जितना मतलब कि अगर बंदा इरीटेट ही हो जाए इतना परेशान ना करे। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है। घर कराने के बाद आजकल यही सीन रहता है मेरा, थोड़ा खाना वाना बनाने का बड़ा बोझ रहता है, तो आगे से आपको खाने की वीडियो बहुत मिलेगी। वो भी मेरा एक चैनल नया खोला है मैंने, स्ट्रीट मसाला फूड, सो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, स्ट्रीट मसाला फूड, ठीक है। नीचे मैं उसका लिंक वगैरह डाल देता हूँ, आप उसको प्लीज़। अब आपको ना खाने की वीडियोज़ दिखा करेगी। इस तरीके के बने हैं कुछ ज़बरदस्त, ये थोड़े से ऐसे बने हैं और ये ऐसे बने हैं एयर फ्रायर में, लेकिन ये हेल्दी है ना, ये ऑयली वाले हैं, ये हेल्दी हैं, तो एयर फ्रायर में लगा के छोड़ दो और बनाओ और खाओ, मस्त चीज़ है, क्या दिक्कत है, खा सकते हैं। और जी गुड मॉर्निंग, आपका फिर से स्वागत है। चलो इसका नाम है कोडलेस ट्रैवलर, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, नहा धो के तैयार होकर ऑफिस की ओर जा रहे हैं। तो आज भी कल आपको पता है जैसे ब्लॉग के अंदर देखा गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो सवेरे मेरे काफ़ी सुबह खड़ी करी तो शाम को देखा सेल्फ हमारा नहीं लगी, तो अभी जाके ट्राई करेंगे कि देखते हैं कि अब वो सेल्फ उठाती नहीं, अगर उठाती है अगर वो उठाती है सेल्फ, मतलब कि अगर सेल्फ नहीं उठाया उसने, सेल्फ उठाती तो ठीक है, अगर नहीं उठाया तो उसको चेकअप कराएंगे अच्छे से। और आज देखते हैं, और गाड़ी मैंने आज क्या नाम उसका यहीं पर पार्क कर दी थी, तो अपने पार्किंग में नहीं गई थी और यहीं अपनी सोसाइटी में कर दी थी। देखते हैं उसका लॉक लगाया कि नहीं लगा, तो लॉक तो नहीं लगाया इन्होंने, लेकिन गाड़ी पूरी गंदी हो गई है। क्यों? क्योंकि बरसातें पड़ रही हैं भाई, बरसातें पड़ रही हैं, इसको भी लगा ही देते हैं। लॉक नहीं लगा हुआ है इस पर, तो अभी दूसरी वाली साइड भी देख लेते हैं, जनरली साले इधर साइड लगा देते हैं। वैसे अगर देखा जाए ना तो लोग हमेशा बंदों को जो इसको भी लगाना चाहिए इस साइड लगाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर कोई भी आएगा तो सबसे पहले इतनी नज़र पड़ेगी, दूसरे टायरों पे नहीं पड़ती, पीछे लगता नहीं है, दूसरे टायर पे पड़ती नहीं है। तो अभी हम इसको सेल्फ मार के देखेंगे, एक मिनट शीशा साफ कर लूँ। वही सेल्फ मार के देखेंगे, अब बैटरी चालू होगी, इग्निशन आ गए हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बड़े प्यार से सेल्फ लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मीनिंग यही था कि वो थोड़ी सी बैटरी मेरे को लगता है ड्रेन होगी, हो क्या पता कई बात होगी हो किसी रीजन है रीजन से, उसकी वजह से ही नहीं स्टार्ट हो रही। पहली बार में होगी थी वो स्टार्ट, और उसके बाद जब मैं दूसरी बार सेल्फ मारा, मैंने कहा यार दिक्कत कर रही है सेल्फ लेने में, तो मैं कहा दोबारा मार लेता हूँ, क्या पता पता लग जाएगा अभी, तो वो मतलब मेरी गलती रह गई, शायद मेरे को चल जाना चाहिए था, ध्यान नहीं देना चाहिए था, तो चल जाना चाहिए था, उसकी वजह से मेरे को धक्का मारना पड़ गया। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अच्छी अच्छी अब फूड की वीडियो आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। सो जल्दी शनिवार और रविवार को एक फूड का एक्सप्लोर करना है मेरे को, सो आपको दिखाऊँगा बहुत अच्छी चीज़। तो अभी ऑफिस के लिए निकलते हैं, फिर करते हैं बात।